बिल्कुल अपने होशो हवास में हूँ और बहुत आज मेरे अंदर करेज आई हुई है कि मैं वो बातें करूँ जो कोई नहीं करता है. देर इज अ लॉट दैट आई वांट टू शेयर विद माय फ्रेंड्स इन पाकिस्तान. और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बिल्कुल ये जो नापाक फौज है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूँ कि ये आईएसआई के अफसरान जो हैं ये कोकेन करते हैं. मैं इनकी महफिलों में शामिल रहा हूँ, मैंने भी की है वहाँ पे, और ये लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ पे लड़कियों के साथ जिनाकारी होती है, और ये फैक्ट्स हैं. और मैं आपको सेफ हाउसेस के एड्रेसेस दे सकता हूँ, मेरे पास लोकेशन सेव्ड है मेरे फ़ोन के अंदर, और बहुत सारी बातें हैं. लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत गंदे 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 लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं. और ये जो आईएसआई है ये गंदी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस मुल्क को, और देखिए इमरान फोन आ गया. तो बात ये हो रही थी कि ये जो आईएसआई वाले हैं ये पाकिस्तान की जो बेटियां हैं उनको रंडी और गश्ती समझते हैं और उसको उसी तरह ट्रीट करते हैं. जस्ट बिकॉज आई एम एफेमिनेट और आई एम अ क्रॉस ड्रेसर, दे थॉट कि आई विल बिकम देयर पिंप एंड आई विल सप्लाई देम विद गर्ल्स. सो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है. और जिस तरह आज हमारे मुल्क के बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जो आइस नशे में इन्वॉल्व हैं, जो बेचारे एडिक्ट्स बन गए हैं, वो आइस कहाँ से आ रही है, वो कोकेन्स कहाँ से आ रही हैं, वो शराबें कहाँ से आ रही हैं, वो चर्सें कहाँ से आ रही हैं. मेरी एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से ये एक अपील है कि आप मुझे अंडर सिक्योरिटी एंड अंडर प्रोटेक्शन आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाएं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तमाम चीज़ें, वो तमाम तर मवाद